हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट सेकंड के बारे में जहां पर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यूज को जो कि जुड़े होंगे किससे कंप्यूटर से और इसके अलावा फ्रेंड्स हम ऑलरेडी चैनल पर मोक टेस्ट वन हमारी कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने कंप्यूटर से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज को कवर किया है अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और फ्रेंड्स अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर या फिर आई यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी और इस वीडियो में क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दी परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपर सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर इज कॉमनली इन डैश यानी कि का प्रदर्शन सामान्यतः डैश में मापा जाता है तो परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर की कॉमनली जो है मेजर की जाती है यानी कि सामान्यतः सुपर कंप्यूटर का प्रदर्शन मापा जाता है इनमें से ऑप्शन डी फ्लॉप्स में जहाँ पर फ्रेंड्स फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड तो इस क्वेश्चन से हमारा फ्लॉप्स का फुल फॉर्म भी क्लियर हो जाता है इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है नंबर सेकंड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज टू कस्टमर इज कॉमनली नोन एज डैश यानी कि ग्राहक को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार संगठन को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट सर्विसेज को कस्टमर को उसे किस नाम से जाना जाता है इनमें से ऑप्शन भी आई यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से इसे जाना जाता है जहाँ पर फ्रेंड्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है अनकाउंटेबल सर्विसेज यानी कि अनगिनित सर्विसेज को प्रोवाइड करती है सेवाएं प्रदान करती है किसके लिए कि आप इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को यूज कर सकते हैं और पार्टिसिपेट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इसके अलावा फ्रेंड्स एग्जांपल क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के इंडिया में इसके एग्जांपल्स हैं रिलायंस जियो एयरटेल बी एस एटसेट्रा ये सभी क्या है एग्जाम्पल्स हैं किसके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के इंडिया में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर मेमोरी यानी कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे बड़ी है इनमें से लार्जेस्ट कंप्यूटर मेमोरी है ऑप्शन डी वन योटाबाइट इन शॉर्ट वन वाई बी जो किसके इक्वल है 1024 जेटाबाइट की इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द नोट पैड फॉर्मेट यानी कि नोट पैड फॉर्मेट के लिए इनमें से कौन सा फ़ाइल एक्सटेंशन है वो है ऑप्शन डी डॉट टी यानी कि डॉट टेक्स्ट

फाइल एक्सटेंशन होगा तो यहाँ पर .txt क्या है ये एक फाइल एक्सटेंशन है किसके लिए नोटपैड फॉर्मेट के लिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अ ग्रुप ऑफ फोर बिट्स इज कॉल डैश यानी कि जो ग्रुप होता है फोर बिट्स का उसे क्या कहा जाता है ऑप्शन बी निबल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स हु इन्वेंटेड दी हाई लेवल लैंग्वेज सी हाई लेवल लैंग्वेज है सी उसे इन्वेंट किया है ऑप्शन ए डेनिस एम रिची ने सी जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेवलप किया गया था विकसित किया गया था नाइनटीन के अर्ली में इसे डेवलप किया गया था किसके द्वारा अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं डेनिस एम रिची द्वारा इसे डेवलप किया गया था कहाँ पर बेल लेबोरिट्रीज में और बेल लेबोरिट्रीज को पहले ए टी एंड टी बेल लेबोरिट्रीज के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन वर्ड डज डब्ल्यू एल ए एन स्टैंड फॉर डब्ल्यू एल ए एन स्टैंड ऑप्शन ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट वाईमैक्स फॉर इनमें से वाईमैक्स का फुल फॉर्म है ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस जहाँ पर वाईमैक्स फैमिली है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ वट इज पी स्टैंड फॉर इन एम पी इजी एम पी ई जी में पी स्टैंड करता है ऑप्शन डी पिक्चर के लिए और एम का फुल फॉर्म क्या है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ डैश फोल्डर रिटेन बट आर नोट येट रेडी टू सेंड यानी कि डैश फोल्डर उन संदेशों की प्रतियों को बनाए रखता है जिन्हें आपने शुरू किया है लेकिन अभी भेजने के लिए तैयार नहीं है वो फोल्डर है ऑप्शन डी ड्राफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवंथ ओ एस आई मॉडल हैज हाउ मैनी लेर्स ओ एस आई मॉडल में लेयर्स कितनी हैं ऑप्शन सी सेवन लेयर्स जहाँ पर ओ एस आई मॉडल का फुल फॉर्म क्या है ओपन सिस्टम इंटरकनिक्शन और इसकी सात लेर्स होती हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन लेयर प्रजेंटेशन लेयर सेशन लेर ट्रांसपोर्ट लेर नेटवर्क लेयर डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर ये सात लेयर्स हैं किसकी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड यानी कि पासवर्ड चुराने के लिए अपराध के लिए निम्न में से एक सामान्य नाम क्या है इनमें से वो कॉमन नेम है जो कि क्राइम है चुराने का पासवर्ड ऑप्शन डी स्पूफिंग स्पूफिंग क्या है टाइप है स्कैम का जहाँ पर क्रिमिनल्स अटैम्प्ट करते हैं कोशिश करते हैं

जो सीक्रेटली कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन आपकी इंटरनेट हैबिट्स के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डैश इज अ ऑफ साइबर अटैक दैट इन्वॉल्व एंड ब्लॉकिंग एक्सेस टू इट अंटिल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज पेड यानी कि डैश एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हैकर से कंप्यूटर सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेते हैं और एक निश्चित राशि का भुगतान होने तक उस तक पहुंच को रोकते हैं इनमें से वो काइंड ऑफ साइबर अटैक है ऑप्शन डी रैन इसमें क्या करते हैं हैकर्स कंट्रोल ले लेते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम का और ब्लॉक कर देते हैं आपके एक्सेस को जब तक उन्हें एक सर्टेन अमाउंट मनी की मिल नहीं जाती जहां पर रैनसम क्या है एक फॉर्म है किसका एक प्रकार है किसका मेलवेयर का इसमें अटैकर जो है डिमांड करता है रैनसम की फिरौती की किसी विक्टिम से रिस्टोर करने के लिए एक्सेस को डाटा तक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 इन 2014 एप्पल डिसाइडेड टू इन्वेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वट इज़ द नेम ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि 2014 में एप्पल ने एक प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार करने का फैसला किया उस प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है उसका है ऑप्शन सी स्विफ्ट क्वेश्चन नंबर 16 है अ डैश मेन परपज इज टू प्रोहिबिट अनऑथोराइज एक्सेस टू योर कंप्यूटर वाया द इंटरनेट यानी कि एक डैश का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर अनधिकृत पहुंच को रोकना है इनमें से वो है ऑप्शन बी फायरवॉल फायरवॉल का मेन पर्पस क्या है प्रोहिबिट करना है रोकना है जो अनऑथोराइज एक्सेस होता है आपके कंप्यूटर तक इंटरनेट के थ्रू उसको रोकना है किसका मेन पर्पस है ये ऑप्शन बी फायरवॉल का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन डैश इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ इलीगली यूजिंग कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर विदाउट ऑनरशिप और लीगल राइट्स यानी कि डैश एक शब्द है जिसका उपयोग स्वामित्व या कानूनी अधिकारों के बिना सॉफ्टवेयर का अवैध रूप से उपयोग प्रतिलिपि बनाने या वितरित करने के लिए किया जाता है इनमें से वो टर्म है जिसका यूज़ किया जाता है ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर पायरेसी का जो डिस्क्राइब करता है कि आप इलीगली यूजिंग कर रहे हैं कॉपी कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का बिना उसकी ऑनरशिप के और या फिर बिना उसके लीगल राइट्स के तो वो टर्म क्या है ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर पायरेसी

विच द आइडिया ऑफ इंटरनेट यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला नेटवर्क था जिसके साथ इंटरनेट का विचार शुरू हुआ था इनमें से वो था ऑप्शन डी अर्पानेट अर्पानेट फर्स्ट नेटवर्क था जिसके साथ शुरू हुआ था आइडिया किसका आइडिया शुरू हुआ था इंटरनेट के शुरू होने का जहाँ पर अर्पानेट फर्स्ट नेटवर्क है हिस्ट्री में इंटरनेट का और अर्पानेट बन गया था जो क्या बना आधार बना किसका इंटरनेट का तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्यूटर से रिलेटेड 20 एम को कवर किया अगर आप इन एम की पी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा जहाँ पर आपको टॉप पर सर्च करना होगा हमारे चैनल का नाम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग देन उसके बाद आपको ग्रुप शो हो जाएगा और उस ग्रुप पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली एट फॉलोअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हैं जहाँ पर आपको इन कंप्यूटर एम की पी डी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो